नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन कुमार आज फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एक जो रूम हीटर है, ब्लोअर, मतलब गर्म हवा भगाने का, जो रूम को गर्म कर देता है सर्दियों में, वो कैसे ठीक किया जाए, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे इसको ठीक किया जाता है, इसके बारे में आज सीखेंगे। इसी वीडियो और पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और वीडियो या पसंद आओ तो इसने लाइक भी कर लियो। आपको इस चैनल पर ऐसी ही मजेदार वीडियो मिलती रहेगी। आपको बिजली के बारे, प्रोडक्ट के बारे में या बिजली उपकरण कैसे ठीक किए जाते हैं, इनके बारे में नॉलेज आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ये ओरपेट का 2000 वाट का रूम हीटर है। इसमें दो स्टेप दिए हुए हैं, ये देखो, एक और दो, यानी ये 1000 वाट पे भी काम करता है और 2000 वाट पे भी। इसके बारे में आपको बता दूं मैं, ये देखो, इसका मॉडल नंबर है OEH 1220। ये ओरपेट का रूम हीटर है और इसे 230 वोल्ट एसी चाहिए चलने के लिए। इसकी पावर 2000 वाट है और ये क्लास 1 और क्लास E का प्रोडक्ट है। पहले इसमें बता दूं मैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। इसका सबसे जो मेन फॉल्ट होता है वो इसके अंदर जो ये कट लगा हुआ है, एक ऑटो कट है, ये आपको दिख भी रहा होगा। इसके अंदर पत्तियां लगी हुई है, ये देखो पत्ती, ये ऊपर से यहाँ पर लगी हुई है। ये जो पत्तियां हैं ये गर्म होके फैल जाती है, जिससे कि ये ऐसे चिपकी होती है और फैलने के कारण ये ऐसे इसमें स्पेस बन जाता है, जिससे ये दूर हो जाती है। और ये हमारा जो एलिमेंट लगा हुआ है हीटर के अंदर, ये काम करना बंद कर देता है, जिससे कि ये गर्म हवा भगाना बंद कर देता है। ये ब्लोअर चलता रहता है, ठंडी हवा इसके अंदर से आती रहती है। और दूसरा जो फॉल्ट होता है इसमें, वो ये इसमें एक ऑटोमेटिक कट लगा हुआ है यहाँ भी, एक और जो हीटिंग को कम ज़्यादा करने के काम आता है, कितनी देर के बाद, टाइमिंग के बाद ये कट मारना चाहिए। ये टाइमिंग के हिसाब से कट काम करता है, 2 मिनट, 3 मिनट, जिस हिसाब से इसको सेट करे, उतने मिनट के बाद ये हीटिंग देना बंद कर देगा, ठंडा होने के बाद तुरंत फिर चालू हो जाएगा, तो ये कट भी खराब हो जाता है। और तीसरा जो है इसका, ये ब्लोअर भी काम करना बंद कर देता है, इसकी मोटर भी खराब हो जाती है। चौथा जो है ये स्विच भी खराब हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होता है स्विच इसका खराब होने का, ना के बराबर ही होता है, कभी कभी होता है। मान लो ये ऑटोमेटिक कट यानी काम ना करे और ये फिर डायरेक्ट हो जाए, पत्तियां चिपक जाए आपस में, अपना काम करना छोड़ दे, जैसे थोड़ी देर के बाद ये ऐसे हट जाती है पत्ती, ज़्यादा हीट होने पे, ठंडे होने पे ऐसे चिपक जाती है, तो ये चिपकी रह जाए, आपस में सोल्ड हो जाए, तो ये इस पे लोड पड़ेगा स्विच पे, ये गर्मा के पिघल के ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये इसमें यही मोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, बाकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। तो इसमें चेक करते हैं इसमें क्या, हवा तो दे रहा है लेकिन गर्म हवा नहीं दे रहा है, तो इस पोजीशन में या तो इसका एलिमेंट भी खराब हो सकता है, या फिर इसके ऊपर ये जो लगा हुआ कट है अंदर से, जो दिखाया था आपको पत्तियां, ये भी खराब हो सकती है, और इसमें ये ऑटोमेटिक कट एक और लगा हुआ ये भी खराब हो सकता है। हम चेक करते हैं, हम अपना सीरीज का तार, मतलब सीरीज का प्रयोग करेंगे इसके लिए। ये मैंने सीरीज में वायर लगा दी, ये देखो आपको इधर दिख रहा होगा सीरीज का बल्ब, जैसे मैं इन तारों को आपस में जोड़ता हूँ तो सीरीज का बल्ब मेरा चस जाता है, ऐसे ही सीरीज का बल्ब मेरा मेन में लगाने के बाद चसना चाहिए। स्विच ऑन करता हूँ तो ये देखो दोस्तों, इसका ब्लोअर तो चालू हो गया है लेकिन जो बल्ब है मेरा सीरीज का वो नहीं चालू हुआ है। इसका मतलब इसका ये जो एलिमेंट है ये काम नहीं कर रहा है। एलिमेंट को चेक करता हूं मैं, एलिमेंट के तार ये आए हुए हैं यहां से, एक रेड है, ये रेड वायर एलिमेंट का आया हुआ है और रेड वायर स्विच पे गया हुआ है।
ये वाला वायर एलिमेंट का है और इधर से ये ब्लू वायर एलिमेंट का है। मैं इस पे लगाता हूँ तो मेरा एलिमेंट जो है वो सीरीज को जला देता है। इसका मतलब है एलिमेंट तो ठीक वर्क कर रहा है। मैं अगर इस कट को चेक करता हूँ, इसको भी वर्क करना चाहिए ऐसे ही। ये देखो दोस्तों, कट ने वर्क नहीं किया, इसका मतलब ये कट खराब है। इसकी पत्तियाँ हैं जो अलग अलग हो चुकी है, इसको भी आपस में टच होना चाहिए तब ये काम करेगा अच्छी तरह। इसने ब्लोअर को चला दिया है। ब्लोअर को इसलिए चला दिया है क्योंकि ये जो एलिमेंट का एक तार है ये अंदर से कॉइल की तरह घूम के दूसरी तरफ चला गया, जो कि ब्लोअर से जुड़ा हुआ है, और दूसरा तार न्यूट्रल तो है ही, इसलिए इसने ब्लोअर को पावर दे दी है। अगर ये आपस में जुड़ा हुआ होता तो ये ब्लोअर नहीं चलता, फिर ये मेरा सीरीज का जो बल्ब है वो जल गया होता। ये देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, मैं आपको दिखा दूं, वे जो दोनों पत्तियां हैं, ध्यान से देखो, वे दोनों अलग हो चुकी है। नॉर्मली हीटरों में यही प्रॉब्लम आती है, एलिमेंट के ऊपर जो कट लगा होता है ये अलग हो जाता है पत्तियां फैलने के कारण, जिससे कि इसका जो एलिमेंट है वो वर्क करना छोड़ देता है, गर्म हवा देना छोड़ देता है। हम इस पत्ती को जैसे ही थोड़ा साफ करके आपस में मोड़ के टच कर देंगे तो ये एलिमेंट वर्क करने लगेगा। दोस्तों हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर रपट लगी हुई है। ये देखो दोनों, अगर इस पे नट होते तो हम इसे चेंज कर सकते थे, ये रपट लगी हुई है। अगर हम इस रपट को निकालेंगे तो ये एलिमेंट की टूट भी जाएगा और खराब भी हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो थोड़ी देर के बाद जो कट लगता है नॉर्मली, ताकि एलिमेंट पे असर ना पड़े, वो काम करना बंद कर देगा, बाकी जो इसका अंदर वाला कट है वो काम करेगा। ये देखो दोस्तों, मैंने पत्तियों को आपस में टच कर दिया है। अभी इसे हम चेक करते हैं। ये एलिमेंट के बार बार गर्म होने के कारण पत्तियां फैल जाती हैं, जिससे कि ये दूर हो जाती है कुछ समय के बाद, लगभग 6 महीने 1 साल लगातार चलने के बाद जल्दी भी हो सकती है। तो इसको हम साफ करके दोबारा से सेंटर में ला दे तो ये फिर से वर्क करने लगता है। अगर जल जाती है पत्ती तो हमें चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर हम इसे सॉर्ट कर देते हैं, ये फिर भी वर्क करेगा। ये देखो मैंने अब की बार जो इस पे इस कट पे वायर सीरीज का वायर लगाया तो ये बल्ब मेरा सीरीज का जो है ये इधर ये चस गया है, ये जलने लगा है। इसका मतलब अब एलिमेंट ने वर्क कर दिया और ये ब्लोअर भी अब चालू नहीं हो रहा क्योंकि एलिमेंट ने सारा लोड ले लिया है। जैसे ही मैं अब इस पे लगाता हूँ तो मैन मैन केबल पे, तो यहाँ भी सीरीज का बल्ब मेरा चालू हो रहा है। अब मैं इसको मैन में पावर में इस बल्ब को लगाऊंगा और इससे चलाऊंगा तो ये मेरा ब्लोअर भी चालू हो गया और ये एलिमेंट भी, यानी ये गर्म हवा देने लग गया है। नीचे करके देखोगे तो आप लाल लाल भी दिखाई दे रहा होगा, एलिमेंट चालू हो गया है। है?
अब मैं इसको ज्यादा देर नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये बंद पैक नहीं है, ताकि इसकी हवा जो है वो बाहर की बाहर जा रही है, इधर नहीं आ रही है, जिससे कि एलिमेंट ज्यादा लाल हो जा रहा है। जैसे मैं इसे बंद करूंगा तो हवा आगे से आने शुरू हो जाएगी और एलिमेंट जो है वो ज्यादा लाल ना होके सिर्फ गर्म हवा बगाएगा, जिससे कि एलिमेंट के जलने का खतरा कम हो जाएगा। क्योंकि ब्लोअर की हवा इसको साथ साथ ठंडी करती रहेगी। दोस्तों अब ये मेरा क्या कस्टमर का रूम हीटर तैयार हो चुका है, इसे रिपेयर कर चुके हैं हम। देखो दोस्तों अब ये रूम हीटर चालू है, लेकिन एलिमेंट लाल आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसके साथ गर्म हवा भी आ रही है। हवा जो है वो पहले तो बाहर थी, अब ये आगे से ब्लोअर आगे से हवा फेंक रहा है, जिसके कारण एलिमेंट है जो वो ज़्यादा लाल दिखाई ना देकर नॉर्मली अपनी गर्म हवा बगा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आशा आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी समझ अच्छी लगी हो तो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करियो और शेयर भी कर दियो। ज़्यादा ऐसी जानकारी और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और कर लियो। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे।